वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो आज है मंडे और आज अयान स्कूल जा रहा है यहीं से, मम्मी घर से ही, क्योंकि अयान की जो बस है वो यहाँ भी आती है और वहाँ मेरे यहाँ भी आती है, तो इजीली मैं इसको यहाँ से भेज सकती हूँ। तो अभी इसका लंच बन गया है, ब्रेकफास्ट वाला बनाया है मैंने और लंच वाला बनाया है अयान की नानी ने और ये रीस की मामी। गुड मॉर्निंग, क्या हो रहा है? बस सब्जी काट रही हूँ, सब्जी काटने की तैयारी। ये कट रही है सब्जी, टिंडे बनेंगे भाई आज, टेंडली बनेगी, टेंडली। और ये रही मम्मी। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। क्या बनाया अयान के लंच में आपने? पराठा और आलू की सब्जी। अयान कह रहा आज मैम को बताऊंगा जाके, आज मेरे लंच में नानी ने बना के दिया है, पूरा फिनिश करके आना, ठीक है। और अभी आप देख रहे हो 7 भी नहीं बजे, बेचारा बच्चा इतनी जल्दी उठ के रेडी हो गया है, कितनी हिम्मत है ना। और पता है गाइज, यही लंच मम्मी हमें भी दिया करती थी, सेम लंच है ना, सेम आलू की सब्जी। मैंने मम्मी को बोला रात को, मैंने कहा मम्मी जो सब्जी आप हमें बना के दिया करती थी ना हमारे लंच में, वही सब्जी आज आप अयान के लिए बनाओ। वो छोटे छोटे आलू कट करके बनाती थी मम्मी, पर मेरे को ऐसा लगता था कि उसमें हल्दी और सारे मसाले डलते हैं, पर मम्मी ने डाले ही नहीं, खाली नमक नमक डाला है ना। और ये आके यूँ कह देगा, खा के भी नहीं आएगा और आके यूँ कह देगा मम्मा सब्जी जली हुई थी। तो आपको क्या लग रहा है मैंने चला ही नहीं? कैसे मम्मी, कैसी बात कर रही हो? मैंने 2 मिनट में चला दी थी, उसके बाद मैं इसको उठाने चली गई थी। चलाती रहनी पड़े है ना, कि उसमें पानी तो रहना है, खाली उसमें इतना ही रहे। अच्छा ठीक है, मेरी गलती हो गई। इधर बैठी है बुआ जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या प्लान है आपका? जोर से बोलो बोलो बोलो, कब आप क्या प्लानिंग कर रही थी, कब जा रही हो, कब राखी बांध रही हो? आज बांधूंगी राखी। और कल चली जाओगी? ठीक है। लोग यूँ कहते हैं आपकी बुआ जी की आवाज नहीं आती, जोर से नहीं बोलती क्योंकि गाइज अभी मैं और मम्मी दोनों जा रहे हैं मंदिर, और मंदिर जाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा दूर है, जैसे मेरे घर के तो बिल्कुल पास है ना, ये वाला मंदिर थोड़ा सा दूर है। हम पैदल पैदल आ रहे, तो मम्मी इतनी स्पीड में भाग रही है जैसे तो यहाँ मैराथन हो रही हो और सबसे पहले आपको ही पहुँच। लेट करवा दिया ना सुबह सुबह, ना तो सुबह सुबह कितनी लेट हुए हैं, अभी 8:15 हुए हैं। और इससे सुबह सुबह क्या जाती हो? इससे सुबह सुबह मैं तो 6:30-7 बजे चली जाऊँ। चलो ठीक है, हम आपको भी जाके करवाते हैं भोलेनाथ जी के दर्शन, अगर भीड़ नहीं हुई तो। वैसे इस मंदिर में भीड़ बहुत रहती है, पहले भी आती थी मैं शादी से पहले। तो गाइज पूजा हमारी हो गई है अच्छे से, लेकिन भीड़ थी थोड़ी सी, और मम्मी कह रही है जब मैं आती हूँ ना, जब भीड़ नहीं मिलती तेरी वजह से मैं लेट हुई हूँ आज, पर फिर भी दर्शन तो अच्छे से हो गए, पूजा कर ली ना अच्छे से। तो गाइज बेसिकली मैंने पंडित जी से पूछा था कि रक्षाबंधन कब का है, मतलब हमें राखी कब बांधनी है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है 30, 31, 30, 31। तो पंडित जी ने कहा है कि 31 तारीख को ही पूर्णिमा है, उसी दिन शुभ मुहूर्त है, और 31 तारीख को दोपहर में 2 बजे से लेके और 3:30 बजे के बीच में नहीं बांध सकते, उसके अलावा पूरे दिन में कभी भी बांध लो। तो ये इन्फॉर्मेशन शुभ मुहूर्त है सुबह 6:45। नहीं पंडित जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो हमने गूगल पे पढ़ा था कि वो शुभ मुहूर्त है, लेकिन पंडित जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। पंडित जी ने कहा है कि 2 से 3:30 के बीच में मत बांधो बस, उसके अलावा पूरे दिन में कभी भी बांध लो। अरे एक एक गोदी में ले लिया तो दूसरे को पैज है ही है, देखो चढ़ने को हो गई है ना, कि मेरे दादू गोदी में अयान भैया कैसे चढ़ गया, और देखो बहन को कितनी चिंता हो रही है भाई की, नोगे मेरे भाई का हाथ तोड़ देंगे। बुआ जी होगी कमाई, बुआ जी ने बांध दी राखी मम्मी के और पापा के, दोनों के राखी बंध गई। व्लॉग में दिखा रही हूँ मैं, नहीं मैं कह रही हूँ व्लॉग में दिखा रही हूँ मैं, बाय चांस आप नहीं लेके गई तो वो पकड़ लेंगे कि मामा जिन पैसे दिए थे हमारी चीज क्यों ना लेके आई। तो फिर और क्या क्या कमा लाई, वहाँ भी बांध दिया ना भैया के। अच्छा ये भाई बुआ जी की तील ताल है, ये हमारे तील ताक गई बोलते हैं ये, है ना बुआ जी? ये दिए बड़ी मम्मी ने और भाभी ने, बढ़िया है भाई साड़ी तो।
और एक ये दिए दो और एक ये सूट दिया, तीन उन्होंने दिए हैं। और मम्मी ने, हाँ मम्मी ने ये सूट दिया है और ये साड़ी दी है, बढ़िया सारी हैं। दो एक तो देगी ना। अच्छा तीसरा नीतू देगी, नीतू आपका नंबर है याद दिला रहे हैं आपको। हाँ अभी राखी बंधवाओगी ना, मारियो इसके, मारियो इसके, मारो मेरे बेटे के पूरे दिन पीछे पड़ा रहता है, देव इसके, हाँ देव, हाँ देव, हाँ अयन अयन अयन, बच्चे तुझे शर्म नहीं आती, तू कैसा मामा है। मम्मी हाँ, मम्मी हाँ, लो चप्पल उठाओ, मारो मारो इसको, पकड़ो पकड़ो इसको। ए ए ए वो भाग लिया ना, क्यों भाग रहा है, घुस गया बाथरूम में। अयन तू इधर आ जा, अयन इधर आ जा, वो तेरे को पकड़ के छेद देगा, फिर पूरे दिन इसके पीछे पड़ा रहता है ना अयन, पूरे दिन तेरे पीछे पड़ा रहता है ना, ऐसा भी कोई मामा होता है। मारना। तो गाइज प्रॉपर्टी डीलर साहब आ गए हैं और आते ही अपनी डीलरिंग में लग गए कहाँ फोन कर रही है तू आते ही, है गुड़िया के पास। अच्छा बता रही है, पहुंच गई मैं। जी जी तू घर से कितने बजे चली थी, 2 बजे? 3:15। 3:15? हाँ। और तू यहाँ पहुंची है 7 बजे, ये तो घड़ी आग पीछे है, तो तू यहाँ पहुंची 7 बजे है ना, तो तू तो बहुत लंबा सफर तय करके आई है। इतनी दूर क्यों भी आई तू? हमें नहीं पता है यहाँ नीतू जो है पलके बिछाए तेरा इंतजार कर रही थी, नीतू की जो पलके हैं वो थक गई, फिर नीतू पलके बंद करके लेट गई थोड़ी देर। नीतू ने बोला अब दीदी आए चाहे ना आए, मैं तो सो रही हूँ थोड़ी देर, 3 बजे से इंतजार कर रहे हैं। जी जी क्या लाई है इस बैग में, ऐसा जो पिटारा खोले ही जा रही है, निकाले ही जा रही है, सारी चीजें क्या क्या लाई है दिखा, घर की चीजें। हाँ तो दिखा तो सही, क्या क्या लेके आई घर की? मिठाई, मिठाई तो मुझे कहीं दिख रही है, मिठाई है ये घर की लस्सी। अच्छा तूने उगा रखी है। हाँ। भाई देसी माल खाने में अलग ही स्वाद आता है। और ये देखो, ये देखो हेज की मारी, पहले दिखा रही डिब्बा, पहले दिखा रही है, तेरे साथ है तेरी मामी। और क्या लाइए कच, अरे वाह कल मजा आ जाएगा नीतू, कल के ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे और कचरी की चटनी, बिल्कुल मजा आ जाएगा। बैंगन, ये कचरी में बता दूं अगर किसी को नहीं पता, तो ये होती है हमारे यहाँ, इसकी चटनी बनती है बहुत यम्मी। ना खोल के मत दिखा, रख दे तू अब चल, मार्केट लेट हो रहा है। अच्छा ये कचरी होती है कह रही है ऐसे। तो जी जी इसकी चटनी भी तू ही बनाएगी, स्वाद बनाती है, ठीक है। फिर तू छाई क्यों नहीं लेके आई, छाई तुम्हारा आ जाएगी। आपने भैंस बांध रखी है? कहाँ बांध रखी है? परी की मौसी बांध रखी है। अच्छा उन्हें अपनी छत पे बांध रखी है क्या? चलो एक दिन देख के आएंगे, नहीं तू एक दिन हमारा वार्तालाप करवाना उनसे। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ दीदी के साथ मार्केट, क्योंकि मिठाई नहीं लाई थी, जैसा आप लोगों को पता है कि मैं आ गई थी राखी पर, मिठाई लाई थी, और कल और परसों यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी ओम स्वीट्स में, तो इसलिए मैंने सोचा अभी जाके ले आती हूँ। तो पूछ के आई हूँ मम्मी और नीतू ने, तो बोला है कि उन्हें चाहिए पतीसा, और भैया ने बोला है कि भैया के लिए मैं लेके आऊँ मिल्क केक ब्राउन कलर का, और जीजी तो अपनी लेके आई है देसी बर्फी, अभी दिखाई मैंने आपको, तो इनकी तो प्योर बर्फी है भाई, ये तो एकदम बिल्कुल एकदम टेस्ट भी ऐसा होता है। और मेरा तो फास्ट है आज, तो मैं तो खा नहीं सकती, पर मैं 12 बजे के बाद ज़रूर खाऊंगी। और अभी चलते हैं देखते हैं। ओ बेटे मुझे तो मार्केट में अभी से भीड़ दिख रही है ओम स्वीट्स पे, देखियो भीड़ देख, रश है बहुत ज़्यादा। हाँ चलो देखते हैं, नंबर आएगा तो ठीक है, नहीं कल दिन में लेके जाऊंगी। तो गाइज यहाँ पे आई ना, तो मेरे को ये टोकरियाँ दिखाई दी है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये हैम्पर टाइप ले लेती हूँ, एक बार पूछती हूँ घर पर फ़ोन करके, क्योंकि ये बहुत सुंदर सुंदर सी लग रही है, पूरे में इतनी अच्छी लगी हुई है। और शायद इधर भी कुछ है, इस साइड भी थाल भी है इनके पास अवेलेबल, ये रहे ना ये इधर, और बड़े बड़े हैम्पर्स हैं। भैया ये कर दो मिल्क केक पतीसा और रसगुल्ले, रसगुल्ले भैया ये वाइट वाले हैं, वाइट वाले। तो गाइस नीतू को खाना है ये, नीतू और मम्मी को, राहुल को खाना है ये, और भैया को खाना है ये, तो तीनों के लिए अलग अलग चीज़ें, भैया भाभी को मतलब बड़ी मम्मी भैया भाभी को ये खाना है, तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें ले ली हैं। गाइस अंदर इतनी भीड़ है कि पैकिंग के लिए जो है इन्होंने स्पेशली काउंटर बना रखा है यहाँ पे,
और यहाँ पे पैकिंग करके दे रहे हैं और अंदर से चीज़ें खरीद के ले आओ, इतनी ज़्यादा भीड़ है अंदर। मैंने अभी आपको दिखाया ना, बहुत ज़्यादा रश है अंदर। तो गाइज यहाँ पे बन गई हमारी टिक्की और ये ले लिए मैंने गोलगप्पे और ये खा के मस्त मस्त भूख लग रही थी इसको। ये रही हमारी मिठाई। और कुछ लेना है बच्चों के लिए? बन गई भैया? लो भैया। अरे अभी इतना सामान ले लिया, अभी तक पेट नहीं भरा, और क्या क्या लेना है? मैंने अपने लिए तो कुछ भी नहीं लिया, मेरा तो ये इतना किसके लिए है? ये सब तुम्हारे लिए है। बहुत ज्यादा हो गया भाई। बर्गर भी तुम्हारे लिए है। बर्गर भी पैक करवा रहे हो। और अभी क्या क्या लेना है? अभी तो स्टार्ट हुआ है, इसलिए ले रही हूँ। रात को 12 बजे फास्ट खत्म होएगा ना, तब खाऊंगी सारा, इतना सारा अभी दिखाऊंगी घर जाके, सारा मैं ही खाती हूँ, कोई और खाता है। तो गाइज आज का ब्रेकफास्ट है आलू के पराठे, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। और मम्मी देख लो, मेरे लिए नहीं बना रही हूँ, कह रही है तेरे पापा पापा के लिए बना रही हूँ। अरे अभी मैं पूजा करूंगी फिर बना दूंगी बाद में। मेरे लिए भी ठीक है, घी कम लगाओ ना। तो नीतू के अब चढ़ते हैं तो क्या करूँ? हाँ पूछ क्या रही हूँ, एक मिनट। और ये बनी है कचरी की चटनी, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। और ये पापा का पराठा विद लेस घी, क्योंकि पापा जो है पूरा अपना परहेज का खाना खाते हैं। पापा पहले ही कह रहे मेरे पराठे क्यों बनाए, रोटी क्यों नहीं बनाई। अब से है ना आपकी प्लेट में से है ना मैं हमेशा एक बाइट खाया करूँगी। रीज़न तो पूछो क्यों? रीज़न ये है कि मैंने कहीं पे सुना है, मतलब देखी है वीडियो कि है ना, लड़कियों को हमेशा अपने पापा की प्लेट में शादी से पहले खाना खाना चाहिए, और शादी के बाद भी जब भी अपने घर आते हैं तो अपने पापा की प्लेट में से ज़रूर खाना चाहिए। उससे क्या होता है कि पिताजी की जो है उम्र लंबी होती है और पैसों की हमेशा बरकत बनी रहती है, समझ गई ना? तो अब से जब भी मैं आऊँगी पापा की प्लेट में से एक बाइट ज़रूर खाऊँगी। ठीक है, ये हमारी प्याली छी बेटी रेडी हो रही है स्कूल के लिए। है परा स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है? भैया तो गया स्कूल, भैया तो आपके उठने से बहुत देर पहले चला गया था। नहीं तो गुड मॉर्निंग। तो आज ब्रेकफास्ट में हो गया है आलू पराठों का स्वागत। हाँ। मम्मी बना रही है बाकी सबके, लेकिन मेरे तो मैं आपसे ही बनवाऊंगी। नहीं पापा तो खा रहे हैं। हाँ, नहीं लेकिन हाँ, लेकिन अगर आपके चढ़ते हैं तो आप रहन दो। नहीं चढ़ते नहीं, बना दूंगा। खाते वक्त नहीं बनाऊंगी, मतलब जब खाती हूँ तब चढ़ जाते हैं, पर अब तो अभी तो मैं बहुत देर बाद खाना खाऊंगी ना। अच्छा तो बना दूंगा। तो गाइज यही सच्चाई है, वो मेरे से सच में इतना प्यार करती है कि अगर उसके चढ़ भी रहे हैं तो भी वो बना के खिलाएगी। और वो जो फंडी है ना, जो हर टाइम आग लगाने में बिलीव करता है, वो सोचता है कैसे इतने प्यार से रह रही है ये दोनों। देखो मैं दिखा देती हूँ, ये बैठा हुआ, बोल बोल फंडी बोल, गुड मॉर्निंग बोल, और क्या बोलेगा? कहाँ की तैयारी, जोर से बोल ले। बस तो मम्मी और नीतू कहेगा तुम्हारे खाती नहीं हो, आवाज नहीं आ रही अपने व्लॉग में, और मेरे व्लॉग में कहे जिम धीरे धीरे। ये फर्क होता है जी जी, अपना और पराए का डर नहीं लगता, ये अपने और पराए का फर्क होता है। देखो अब देखो कितनी धीरे बोल रहा है, इतनी धीरे इसकी आवाज है भी नहीं, अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। हाँ रिस्पेक्ट तो कुछ ज्यादा ही करता है। हैं क्या कह रही हो मम्मी, क्या कह रही हो? वेलकम बैक गाइज। तो अभी जो है बजे हैं शाम के 5:30 और मैं जा रही हूँ अमन के साथ मूवी देखने के लिए, इसलिए मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि वो आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। और मूवी कुछ ऐसी है कि अयान को मैं लेके नहीं जा सकती, तो अयान नहीं जाएगा क्योंकि बच्चे अलाउड नहीं है उस मूवी में, तो खाली मैं जा रही हूँ। ओ 4 बजे। तो अभी क्या है कि मैं इन्हीं कपड़ों में, मतलब इसीलिए भी रेडी हुए हैं कि अभी नीतू को हम लोग राखी बांधने वाले हैं। नीतू जो है 29th है आज, तो नीतू कल जो है 30 तारीख को अपने घर जा रही है, तो वो 3-4 दिन वहाँ रुक के आएगी। और कल बांध नहीं सकते क्योंकि कल है भद्राकाल, तो भद्राकाल में बांध नहीं सकते। अयान, हाँ अयान को भी परी अभी राखी बांधेगी, मैं खाली नीतू को बांधूंगी क्योंकि राहुल और भैया भाभी को मैं बांधूंगी 31 तारीख को, उसी दिन जिस दिन राखी है। बस खाली आज नीतू को बांध रही है और परी को बांध रही है। और हमारी जो दीदी है ना, ये जो आई हुई है, ये बांधने वाली है राहुल नीतू दोनों को, क्योंकि ये कल सुबह जा रही है वापस, है ना, तो इसलिए आज बांध के जा रही है।
सालों के बाद मैं खाली अकेली नीतू को राखी बांध रही हूँ क्योंकि मजबूरी है। राखी है मेरी छोटूशी परी के लिए, छोटूशी परी के लिए। जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। येलो। वाह परा, वाह। आगे करो, आगे आओ। वाह परी, मेरे भी लग परी। वाह ये हो गई है कमाई शुरू। अगले दिन, अगले दो दिन तक कमाइयां ही कमाइयां होगी। ये मिल गया भाई मुझे गिफ्ट, थैंक यू सो मच। चलो भाई बाकी है वो आजकल में आ जाएगा तो आपको देखती है। बांधेगी अब अयान को, और अयान जो है गिफ्ट्स लेके रेडी बैठा है अपने। चलो भाई छोटा सा पर तिलक करेगा। हाँ अच्छे, अयान हाथ रखो सर पे, ऊपर करो, वेरी गुड। अयान को भी सब पता है, देख हंस रही है, देख के उधर से देख रही है। हाँ भाई ये देख लो भाई, भाई देखो चांदी की राखी जो परी बांधने वाली है अयान को, परी के बांधरी नहीं। अभी दिखाऊंगी पूरी। वाओ मामी बांधती है आयान की हर साल। दो दो राखियां भाई, एक चांदी की है और एक नॉर्मल राखी है। दूसरे हाथ पे बंधवाएगा, ओहो सलमान खान बनेगा ब्रेसलेट वाली राखी पहन के, है मम्मी। परी टूट जाएगी मेरी। परी को गिफ्ट्स दो, परी ले लो दो आयान। चलो परी का गिफ्ट ओपन करो जल्दी जल्दी। गाइज आप देख रहे हो आज ये फिर आ गए मेरे से मिलने, पता नहीं वैसे कहेंगे I don't miss you, और वैसे इनका जी नहीं लगता मेरे बिना फिर आ लिए मेरे से मिलने। यहाँ देखो मेरी बात को समझो, हर आदमी जो है ना एक 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 उम्र पे होता है, ठीक है यार। ये एक्सीडेंट हो गया, ये गिर गई है, यहाँ ये गिर गई यहाँ पे स्कूटी से। तो गाइज वो पीछे जो गिरी थी ना, वो गाड़ी रोक के पहले उनको उठवाया वगैरह किया काम, मतलब उनको लगी चोट काफी, फिर हम निकले हैं वापस। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। मैं बोल रहा हूँ एज होती है, जब हम लोग शादी से पहले लड़के लड़के कहीं चले जाते थे कोई बॉदर नहीं करता था, अब शादी होने के बाद सब अपनी फैमिली अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ आते हैं। अच्छा तो अब मैं अकेला जाऊँ तो वैसे ही मेरे को ग्रुप से निकाल देंगे ना भाई। तो इस डर से लेके जा रहे हो मुझे। डर से नहीं, एक सोशल वो होता है। देखो आप ये देखो गाइस कि इनके पास हर चीज का बहाना है कि मैं ये इसलिए करता हूँ। ये क्लियरली ये नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है भाई मैं आया हूँ मिलने, आया हूँ तो आया हूँ, उसमें क्या गलत है। लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ जस्टिफाई करते रहेंगे। उस दिन लेके गए संडे को तब भी ऐसे कह रहे थे कि मजबूरी है, लोग पूछते हैं वाइफ नहीं आई, वाइफ नहीं, तो इसलिए। अरे संडे को तो भाई वो एक तरीके से ऑफिस का गेट टुगेदर था, अभी अभी तो पूरा ऑफिस का नहीं, संडे को नहीं। अरे संडे को ऑफिस वाली नहीं कह रही, यहाँ वाला कह रही हूँ जो वहाँ भूमि पूजन पे गए थे। तो वो मैं तेरे से मिलने आया था, वो काम था भाई। मैं सैटरडे को आई शाम को, संडे को सुबह फिर आ लिए मुझे लेने, और कल मंडे गए, आज ट्यूजडे को फिर मुझे लेने आ लिए।